रजत मुझे आप सुन पा रहे हो? रजत बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप, बयां करिए क्या तस्वीरें हैं। देखिए रजत, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर के पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस को अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप, इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं, दिया पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है, पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जी युद्ध का मैदान बन चुका है। और अब दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा, ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बसों के कांच फोड़े जा रहे हैं, बसों पे पत्थर फेंक के जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा घुमा करके दिल्ली पुलिस को एकदम काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है। तिरछे ट्रैक्टर चलाकर भीड़ को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? आप देखिए ये दिल्ली की बसों को निशाना बनाया जा रहा है। वो पुलिस अब काफी पीछे तक पहुंच चुकी है, पुलिस को काफी पिछवाड़े तक यानी कि काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देखिए ये हाथों में डंडे लाठियां लहराते हुए दिल्ली पुलिस से लाठियां छीन ली गई है, दिल्ली पुलिस की लाठियां भी छीन ली गई है। संजय आप रहिए, तस्वीरें दिखानी जरूरी है, इन चेहरों को भी दिखाना जरूरी है। आखिर ये कौन लोग हैं? उन नेताओं से सवाल होने चाहिए, उन किसान नेताओं को जवाब देना चाहिए जो कह रहे थे हिंसा नहीं होगी, हंगामा नहीं होगा। संजय तस्वीरें दिखाइए और अपडेट बताइए, ये जो बस को तोड़ रहे लोग हैं इनके चेहरे भी दिखाइएगा। बिल्कुल मैं आपका तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मीडिया जहाँ पर है वहाँ पर भी आश्रु गैस का गोला यहाँ पर फेंक दिया दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हाँ, बम फेंके जा रहे हैं। जहाँ पर मीडिया खड़ा था, मीडिया जिस यहाँ पर खड़ा था जिस ब्रिज पर, उस पर भी बम फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर किसान है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर पूरी तरीके से इस समय दिल्ली पुलिस पूरी तरह से किसानों के आत्मा चुकी, दिल्ली पुलिस गायब है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दिल्ली पुलिस गायब हो चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नजारा नजर आ रहा है चारों तरफ किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। जहाँ तक नजरें आप दौड़ाएंगी वहां तक आपको सिर्फ किसान और ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। ये पूरा नजारा यहाँ से आईटीओ से लेकर के लाल किले तक पूरा नजारा ये बिल्कुल ऐसा ही है। दिल्ली पुलिस यहाँ से जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाठियां इनके हाथों में और दिल्ली पुलिस को काफी पीछे तक खदेड़ दिया किसानों ने। इंडिया न्यूज के कैमरे पर हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज के दर्शक देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद फैसला कीजिएगा, क्या ये किसान हैं? प्रदर्शनकारी क्या इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं? क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाना जरूरी हो जाता है? पहले किसान कह रहे थे जय जवान जय किसान, ये जवान भी हमारे अपने हैं, हम किसान हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम कानून वापस चाहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कहीं से कहीं तक नहीं लगता जय जवान जय किसान का नारा है। ये क्या वाकई किसान है? ये भीड़ कौन है? ये प्रदर्शनकारी कौन है जो लगातार वहाँ मौजूद जवानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? संजय तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, बताते रहिए। फिलहाल कैसे सुरक्षा बल इनसे निपट रहे हैं, कैसे इन्हें कंट्रोल पाने की कोशिश है? दिल्ली की सड़कों का बैरिकेड गायब हो चुके हैं, किसानों ने सारे बैरिकेड निकाल के फेंक दिए हैं, गमले तोड़ दिए हैं, पौधे उखाड़ दिए हैं, दिल्ली पुलिस को भगा दिया। देखिए दिल्ली पुलिस भी
हो चुका है पूरी तरीके से आईटीओ मैदान। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दिल्ली पुलिस गायब है। जी हाँ, बड़ा विचित्र दृश्य है। जहाँ पर कभी पुलिस का राज हुआ करता था, वहाँ सारे के सारे किसान पहुँच चुके हैं। ट्रैक्टरों से खदेड़ दिया उन्होंने दिल्ली पुलिस को। और जी संजय, जो ये ट्रैक्टर चल रहे हैं जो पुलिस वालों के ऊपर चलाने की कोशिश हो रही है, एक इसमें खास बात है, देखिए इसमें भारतीय झंडे ट्राइकलर फ्लैग नहीं नजर आ रहा है। इन पे आप जो अभी इसके पहले वाला ट्रैक्टर था उसमें पीले और काले रंग के झंडे लगे हुए थे, जिसमें एक नकाबपोश बैठा हुआ था। उसके पहले जो हरे रंग का ट्रैक्टर था, लाल रंग का ट्रैक्टर था, जो कि पुलिस के ऊपर, देखिए ये जो ट्रैक्टर है जो विजुअल देख रहे हैं इस वक्त, इसमें पीले और काले रंग के झंडे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रदर्शन में आ गए? ये जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, 90% ट्रैक्टरों में भारतीय झंडे नहीं है, तिरंगा नहीं फैल रहा है, पीले और काले रंग के झंडे हैं इस पे। देखिये रजत, अभी भी यहाँ पर कई सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जहाँ पर कि तिरंगा अभी भी लहरा रहा है, हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो अभी भी ट्रैक्टरों पर अभी भी तिरंगा तो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन तिरंगे के साथ में जो दूसरे झंडे हैं फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी कई सारे जितने ट्रैक्टर है उन सब पर कहीं ना कहीं तिरंगा जरूर नजर आ रहा है। सारे के सारे ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन किसानों ने अपने रूट तोड़ दिए हैं। जो रूट पहले से तय नहीं था वहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए हैं। आईटीओ पर आने की कोई संभावना नहीं थी, पहले भी बातचीत हुई थी किसानों की, 3 दौर की बात हुई थी किसानों के साथ में दिल्ली पुलिस की, लेकिन किसानों ने अपने रूट बदल दिए, रूट तोड़ दिए और आईटीओ पर पूरी तरीके से मुकम्मल कब्जा कर लिया है, पुलिस विहीन बना दिया है दिल्ली पुलिस मुख्यालय को। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईटीओ इस समय पूरी तरीके से पुलिस विहीन हो चुका है। चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और हम तस्वीरें दो देख रहे हैं, दो तस्वीरें जहां एक पुलिस वाले को चोट आई है। ये तस्वीर जहां पर एक पुलिस के जवान को चोट आई है और शायद बेहोशी की हालत में है। लगातार जो साथी जवान है वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सीने की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद सीने में दर्द है। अभी पांव पर जो मालिश हम करते हैं, जो अक्सर जब कोई बेहोश हो जाता है, वो कोशिशें भी हमने देखी थी। दिल्ली पुलिस के जवान जो लगातार इस कोशिश में कि भीड़ आगे ना बढ़े, भीड़ हिंसक ना हो, किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, उल्टा उन्हें नुकसान हुआ है। पत्थरबाजी से डंडे पुलिस पर बरसाए गए हैं, फोर्स को भगाया गया है वहां से। और जैसे संजय बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय अब खाली हो चुका है, वहां दिल्ली पुलिस से कोई भी मौजूद नहीं है। और रचना, जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी, जैसे लाठी लेकर अब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, जिस तरीके से और जिस स्पीड पर ट्रैक्टर्स के जरिए आप कह सकते हैं कुचलने की कोशिश हुई, ये देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये किसान है जो मारने की कोशिश कर रहे हैं सीधे सीधे? क्या आए और तोड़ना शुरू कर? संजय मुझे ये बताइएगा, जब भीड़ लगातार उग्र हो रही है, ये प्रदर्शनकारी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय में भी आप दिल्ली पुलिस है नहीं, कोई जवान कोई अधिकारी है नहीं, आगे कंट्रोल करने के लिए स्थिति क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे रोका जाएगा? देखिए मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ सीधे, ये देखिए आप आईटीयू का चौराहा, ये यहीं पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय है। चारों तरफ से यहाँ पर किसान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से यहाँ पर ट्रैक्टरों की आवाजाही हो रही है, पैदल भी काफी सारे किसान हैं यहाँ पर, लेकिन उन सबके हाथों में डंडे हैं, बल्लियां हैं, छड़े हैं, रॉडे हैं, तलवारें हैं और थोड़ी थोड़ी देर में बम भी फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी काफी देर से अश्रु गैस के गोले फेंके जा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मैदान से नजारा दे, दिल्ली पुलिस ने मैदान खाली कर दिया है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दिल्ली पुलिस गायब हो चुकी है। पूरी तरीके से किसानों का यहाँ पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना जारी है। जो रूट जो किसानों ने तय नहीं किया था मार्च के लिए, परेड के लिए, उस रूट पर अब किसानों के ट्रैक्टर लगातार आते जा रहे हैं। आईटीओ से लेकर के लाल किले तक लगातार ट्रैक्टरों के रूट आप देख सकते हैं, लगातार ट्रैक्टर एक के बाद एक इसी रूट पर आते जा रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस का इंटेलिजेंस भी फेल हुआ है, जिस इंटेलिजेंस की बात दिल्ली पुलिस करती आ रही है। खुद गृह मंत्री ने अमित शाह ने कल शाम को भी बैठक ली थी। संजय आप रहिए, ताजा तस्वीरें लगातार दर्शकों तक इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। शुभ्रा भी हमारे साथ जुड़ गई है। शुभ्रा, स्थिति फिलहाल क्या है? अगर दिल्ली पुलिस मुख्यालय खाली हो गया है, दिल्ली पुलिस के जवान नहीं, अधिकारी नहीं, आगे इंस्ट्रक्शंस क्या? भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है, प्रदर्शनकारी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं नजारा दिखा देती हूँ आपको। आईटीओ पर हम मौजूद हैं लगातार, किसानों से बातचीत भी करेंगे जो हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप देखिए यहाँ से जो रैली है वो आगे नहीं बढ़ रही है। फिलहाल जो दूर अगर आप देखें तो वहां कहीं बैरिकेडिंग की हुई है और इसीलिए किसान पहुंच चुका है। किसान ने कहा था ट्रैक्टर रैली लेके लाल किले तक जाएंगे, राजपथ तक जाएंगे। लाल किले की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। और किसानों ने आज वो काम किया है जो शायद नहीं करना चाहिए था उनको। आज किसान कहना गलत होगा, ये प्रदर्शनकारी हैं, ये वो लोग हैं जो देश के विरुद्ध शायद काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर्स लेकर लाल किले पहुंचे हैं ये सारे प्रदर्शनकारी। वापस चलते हैं एक बार शुभ्रा के पास। शुभ्रा, जब आपसे बात कर रहे थे तो हम तस्वीर दिखा रहे थे लाल किले की, लाल किले पर भी सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर्स पहुंच चुके हैं। वहां पर जो किसान है या कहा जाए प्रदर्शनकारी है, क्या कह रहा है? क्या आप डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं या प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं? जी, इतने बड़े पैमाने पर जो किसान घुसे हुए हैं राजधानी के अंदर, आप देखिए, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी रजत, कि ये जो रैली आप यहाँ से देख रहे हैं यही जाकर के आगे लाल किले में भी मिल जाती है। और जो तस्वीरें आपने दिखाई बहुत महत्वपूर्ण है, और शुरुआत से ही किसान ये कह रहे थे कि आज के दिन को बड़ा बनाना है, लेकिन अनुशासन रखने का वादा किया गया था, वो वादा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अगर मैं आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रैक्टर्स जो है वो मूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के अगर लाल किले तक ये रास्ता जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच ये है। और दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, अगर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने ये तस्वीर है, लाल किले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तो आप समझिए कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बेबस साबित हो रही है किसानों के सामने। हम कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। अच्छा, लाल किले तक किसान पहुंच गए हैं, वहां पर तिरंगा फहराया है, ये तो प्लान में नहीं था ना सर? आप लोगों ने तो कहा था कि अनुशासन रखा जाए। पूरा अनुशासन रखा गया है मैम। हम लोगों को जब रास्ता नहीं दिया गया तो हम यहाँ आईटीओ से अंदर की तरफ निकले। जब रास्ता नहीं देंगे तो जो रास्ता मिलेगा उधर से तो निकलेंगे। कई जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस को परेशान भी किया गया। सुनो चुप मैडम, कौन सी जगह? ये आईटीओ और ये इधर इंडिया गेट कितनी दूर है? इंडिया गेट इधर है क्या? सब किसान इंडिया गेट पे पहुंचेंगे, ये भारत का पर्व है। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए पहुंचे हुआ, तो ये तो प्लान में नहीं था ना, रूट निर्धारित हुआ था आप लोगों के? वहाँ भी झंडा फहराएंगे और वोट क्लब पे इंडिया गेट पे भी फहराएंगे। वहाँ काफी जगह है, जैसे पहले भारतीय किसान टिकेट साहब चलाते थे, पूरी भारत की जनता वोट क्लब पे पहुंचती। तो आपको नहीं लगता कि ये राजधानी में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश हो रही है? मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया से आया हूँ, सबसे पीछे जिला है, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज किसानों ने दिखा दिया कि दो गुजराती जो देश बेच रहे हैं, दो गुजरातियों से किसान। तो पॉलिटिकल बातें ज्यादा हो रही है, किसानों की बातें कम क्यों हो रही है? पॉलिटिकल चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहे। ये तस्वीरें हैं आईटीओ की, हमने आपको लाल किले की तस्वीरें दिखाई, जहां इस वक्त ट्रैक्टर मार्च पहुंच चुका है, प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं लाल किले तक। और ये तस्वीरें जो है वो आईटीओ की हैं, जो बयां कर रही है कि दिल्ली में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। दिल्ली में किसान अगर प्रदर्शनकारी बन गया है तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इस दौरान बड़ी खबर ये कि लगातार पुलिस के जरिए कोशिश हो रही है इन प्रदर्शनकारियों को शांत करने की। शुभ्रा बात कीजिए। लेट कर रही है, किसान आगे बढ़ता ही जाएगा। अब तीन बिलों की बात छोड़ के गद्दी की बात होगी, हम खुद ही बना लेंगे बिल, हमें मोदी की जरूरत नहीं है। नहीं तो जो रूट तय हुआ था, आखिर उस रूट पे क्यों नहीं? आप हमने देखा कि सुबह 8:30 बजे से ही किसान जो आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये कहा गया था कि 12 से 5 बजे का बंद होगा। एक बात बताओ, ये जो नेता हैं, ये जो कहते हैं वही करते हैं? इन्होंने सीखा या सब कुछ हमने? ये इन्होंने सीखा, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। 1.5-2 साल का टाइम जो हमने क्यों नहीं लिया? 3 इलेक्शन है, आपको भी पता है, किसको नहीं पता, बच्चे को पता है। जब हम बैक डोर से पीछे अपने टैक्स देके, सब कुछ देके, पैसे इनको देके देश चलवा सकते हैं, तो हम खुद नहीं चला सकते? ये ज्यादा समझदार है हमसे? ज्यादा समझदार नहीं है? लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये कहा ना कि भाई हम आप जो कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपको दिल्ली में आना है तो आप आइए, लेकिन एक रूट निर्धारित करते हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो आपके नेता कह रहे थे
आम किसानों ने उसको ही मानने से इनकार कर। मैडम हम देश के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग भी जानते हैं कि हमें क्या करना है, या हमारी इतनी पब्लिक है, किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया अभी तक? किसी ने पहुंचाया तो हम इंडिया गेट हमें क्यों नहीं जाने देते? बताइए नुकसान हुआ है, शिवरा बताइए नुकसान हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, दिल्ली पुलिस फोर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अगर निकल गई है इतनी बड़ी भीड़ और देखिए बैरिकेटिंग्स को तोड़ दिया, दिल्ली पुलिस के कई जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, तो इसे आप नुकसान नहीं पहुंचाना कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसे तो आम लोगों को भी तकलीफ। आपने देखा किसी को नुकसान पहुंचाया? हम दिखा रहे हैं लगातार सर, इंडिया न्यूज पर लगातार दिखाया जा रहा है, आपकी मांगे क्या है वो भी दिखाया जा रहा है और कैसे अनुशासन टूटा है वो भी दिखाया जा रहा है। एक बात है, अगर कोई किसान जा रहा है उसको बैरिकेड लगा रहा है, अगर मैं कहता हूँ किसी के थोड़ा लग, ये तो आदमी मरवा देते हैं वहाँ बंगाल में, देखो क्या हो रहा है जब ये रैलियां करते हैं। मैम एक सवाल, जब सरकार को पता था कि रोड निर्धारित था, तो एक कहावत देहात में होती है, आप बैल मुझे मार, जबरदस्ती पुलिस टकरा के आप लोगों ने रूट माना कहा, लेकिन नहीं रूट तो हम चल रहे हैं मैम, देखिए हम रूट पर चल रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रूट पर चल रहे हैं, लेकिन ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि रूट को नहीं माना गया है, रूट को नहीं माना गया है और इस वजह से जो तकलीफें हो रही है लोगों को वो दिख रही है, लेकिन आम लोगों को अरे भाई साहब, शुभ्रा आपके पीछे जो नारेबाजी हो रही है वो सुनाई दे रही है और इनकी मानसिकता भी समझ में आ रही है शुभ्रा, लेकिन जो बुजुर्ग आपसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा, आप यकीन जानिए इन तस्वीरों को देखकर डर लगने लगा, डराने वाली वो तस्वीरें थी जहां पुलिस के जवान बड़ी संख्या में, एक मिनट तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, ये बताइए कि अब आगे क्या करने का इरादा है? अब आगे इंडिया गेट तक जाना है और जाके रहेंगे, कोशिश बराबर है, इंडिया गेट पर जाना है जी, इंडिया गेट पर जाना है। हाँ जी जाना है, ये इंडिया गेट हमारा है, भारतवासियों का है, ये किसान प्रधान देश है, ये मोदी जी का कोई पर्सनल नहीं है, अहंकार किसी का, रावण का नहीं रहा अहंकार मैडम, ये तो किसानों का देश है और हम भी जाना चाहते हैं, इसमें क्या बुरी बात हो गई, हमें जाने की इजाजत देनी चाहिए थी और इन्होंने हमारा रूट डिस्टर्ब कर दिया, जो रूट इन्होंने दिया था। देखिए आप ये अब ठीक बात कह रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स अलग रखना चाहिए ना, हमारा ना तो मोदी के खिलाफ है हम ना किसी के खिलाफ, हमारे सरकार से लड़ाई है, तीनों कानून वापिस ले और हमें आंदोलन गुंडागर्दी की इजाजत देता है, सरकार के खिलाफ रोष था, इतनी पब्लिक आई है, लगता है जी जी जी, नहीं तो ये बताइए ना कि जो अनुशासन है वो कायम रखना चाहिए कि नहीं? हम एक मिनट रुक जाओ, अनुशासन तरीके से मारे हैं, अब रोकते हैं, बताओ हटाना तो पड़ेगा, अगर कहीं रोकता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हटा रहे हैं, हम लड़ना नहीं चाहते केंद्र सरकार या किसी से, हम नहीं चाहते तीनों बिल वापसी हो और MSP पे कानून बने। तो अगर ये तय हुआ था कि 12 से 5 बजे तक का रूट रहेगा तो उसको क्यों नहीं आप लोगों ने फॉलो? मैडम देखो एक मिनट, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जैसे राजनीति मोदी सरकार ने चली 1.5 साल की, तक किसानों ने भी राजनीति चली, दिल्ली हमारा, दिल्ली में बढ़कर हम दिखाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, एक बार मैं तस्वीरें दिखाती हूँ, एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ रचना, आप देखिए ये तस्वीर, धीरे धीरे करके जो ट्रैक्टर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके ट्रैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये तस्वीरें अगर आप दिखाएं, मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूंगी कि ये तस्वीरें आप दिखाएं, ट्रैक्टर्स जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे की जो बैरिकेटिंग है वो खोल दी गई है और अब यहाँ से जो रैली है वो आगे बढ़ रही है, कुछ देर में ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा, हम आपको यहाँ से इसलिए दिखा रहे हैं ये तस्वीरें ताकि समझ में आए कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं तिरंगा झंडा लेकर के, उनकी अपनी मांगे हैं, पिछले 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, आज कई जगहों पर अनुशासन टूटा है और उसके बारे में किसानों का ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की और इसीलिए अनुशासन टूटा, लेकिन जाहिर तौर पर जो तमाम किसान नेता है वो यही कहते आए हैं कि जो रूट निर्धारित हुआ है उसी रूट पर आप चलिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो तस्वीरें दिखाई है इंडिया न्यूज ने, लाल किले तक पहुंचे हैं किसान और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं, यहाँ से धीरे धीरे करके ये किसान जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रचना बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं और जो किसान कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी से राजनीति सीख ली है, पॉलिटिकल लोगों से राजनीति सीख ली है, हम इंडिया गेट जाएंगे, लाल किले जाएंगे, शुभ्रा इतनी तादाद में ट्रैक्टर्स लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों का जो आक्रोश है या अब कहा जाए कि प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है वो देख रहे हैं, फोर्सेस की भी एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं,
ये ड्रामा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है शुभराज, जिस हिसाब से ड्रामा चल रहा है। जी जी, इतनी देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करते हैं। पंकज, पंकज से मैं कहूंगी कि इधर इधर भी जरा कैमरा पैन करें अगर। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? आंदोलन का हिस्सा लेने के लिए नहीं मैम, हम आंदोलनकारी क्यों कहा जा रहा है, हम भारतीय हैं और किसानों की औलादे हैं, अन्नदाता हैं। आप भी अन्न खाकर आई होंगी और आपका मीडिया हमें दलाल, ट्रैक्टर जिहाद, ये जिहाद होता है। हम आपसे बात करने आए हैं, छोड़िए बाकी क्या कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई अनुशासन टूटता है तो आपको लगता है कि मना किया जाना चाहिए? तो अनुशासन आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है? अगर गणतंत्र दिवस है तो क्या उस पर बीजेपी का अधिकार है क्या? 26 जनवरी 15 अगस्त जो है वो भारतीयों के लिए नहीं है। अभी तक 150 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उसका दर्द नहीं आ रहा। अनुशासन की बात करें, अब भी पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तब नजर नहीं आ रहा है। किसान है आप लोग जो खा खा कर एंकरिंग करने आ रहे हैं, आप अन्न नहीं खाते क्या? देखिए बहुत गुस्से में है यहाँ पर किसान। अच्छा आप बताइए, देखिए देखिए देखिए, पहले भी हम लोग लगातार बात करते आए हैं और इसीलिए आज भी तमाम बातों को दरकिनार करके हम दिखा रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या कमियां हैं। शुभ्रा, महिला से ही बात कीजिए, महिला से ही बात कीजिए, महिला से ही बात कीजिए। क्या जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे प्रदर्शनकारी? जो तस्वीरें हमने देखी, क्या आंदोलन इजाजत देता है किसी की जान लेने की? देखिए अभी तक जो रूट तय हुआ था उस पर आप लोग नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि जो किसान नेताओं ने कहा था शुरुआत से, जो तय हुआ था उस पर टिके रहना चाहिए था? क्योंकि गलत मैसेज जा सकता है अगर कुछ भी तरह की दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है। दिक्कत कोई भी नहीं होगी, किसान शांत प्रिय जा रहे हैं और ये किसी का देश प्रदेश दिल्ली किसी का नहीं है, ये सबका है। जितने भारतवासी सबका दिल्ली है, सबका अधिकार है दिल्ली में आने का। इसलिए आप कोई भी कहीं जाने से मना नहीं करेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ से कहाँ, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर अगर इकट्ठा हो पाए तो हम उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन अब आगे यहाँ से आपको लोगों का क्या प्लान है? हमारे जो नेता लोग बताएंगे उस हिसाब से आगे प्लान करेंगे, आगे की रणनीति उसी हिसाब से तय होगी। मैसेज आ जाएंगे सब। कहाँ से आए आप? बदायूं से। बदायूं? बदायूं से आज ही आए हैं, आज ही पहुँचे? नहीं, आज 5 दिन हो गए हमें रहते हुए। अच्छा जी, तो कितनी बड़ी संख्या में आपके इलाके से लोग आए? हमारे यहाँ 500 आदमी आए हैं, बताएं अकेले जनपद से 50 ट्रैक्टरों को लेकर आए। क्या सोच कर आए आज आप दिल्ली? हम आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से आए, झंडा फहराने के उद्देश्य से आए। हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है, इसको मनाना है। ये बीजेपी का अधिकार नहीं बनता, हमारा किसान का भी अधिकार बनता है कि हम लाल किले तक जाएं और अपना झंडा फहराएं। ठीक है, तो लाल किले तक जाएं और झंडा फहराएं, ये कह रहे हैं कि किसानों का अधिकार बनता है। लेकिन साथ ही हम वो तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं जो ये दर्शाती हैं कि अनुशासन कहीं ना कहीं टूटा है। लेकिन इसके साथ ही किसान ये कह रहे हैं कि 2 महीने से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, आज के दिन का उनको इंतजार था, लेकिन हाँ जो रूट तय हुआ था उस रूट पर किसान जो है वो अगर रहते तो जाहिर है कि अच्छा मैसेज जाता। लेकिन किसान नेता क्योंकि अभी ताजा जो तस्वीरें आ रही है लाल किले से, वहाँ भीड़ देखते ही देखते बढ़ गई है। लाल किले के पास जहां अभी तक 3 से 4 ट्रैक्टर ही नजर आ रहे थे, अब वहां देखते ही देखते भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी बहुत ज्यादा संख्या में वहां पहुंच गए हैं और अब प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि हम इंडिया गेट तक जाएंगे। जब उनसे पूछा गया तय रूट फॉलो क्यों नहीं किया तो कह रहे हैं कि क्या सरकार अपनी बात पर रहती है जो हम रहे। प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमने खतरनाक तस्वीरें, हम कहेंगे कि डराने वाली इन तस्वीरें प्रदर्शनकारियों की देखी, जहां पर दिल्ली पुलिस के कई जवान सड़क पर मौजूद थे लेकिन जहां तहां आड़े तिरछे ट्रैक्टर चलाकर उन्हें रौंदने की कोशिश की है, ट्रैक्टर उन पर चढ़ाने की कोशिश की है। इसी बीच दिल्ली पुलिस का एक जवान जख्मी भी हुआ है। ये देखिए आप लाल किले के पास भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी के हाथ में केसरिया झंडा है, किसी के हाथ में पीला झंडा, किसी के में नीला झंडा, किसी के में हरा झंडा, अलग अलग झंडों के साथ ये प्रदर्शनकारी अब ज्यादा संख्या में लाल किले पर पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है और साथ ही साथ बता रहा है कि कैसे जो रूट तय नहीं हुए थे लगातार वहां पर संख्या बढ़ती जा रही है, रूट को तोड़ा गया है, जो तय रूट था उसे तोड़कर ये प्रदर्शनकारी जगह जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये लाल किले की तस्वीर है। जी हाँ, 26 जनवरी है, लाल किले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे कि लाल किले की तस्वीर 26 जनवरी, अमूमन 15 अगस्त को लाल किले की तस्वीर दिखती है जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से
देश को संबोधित करते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री देश राष्ट्रपति को देख रहा था, लेकिन किसानों ने 26 जनवरी वाले दिन लाल किले की तस्वीर दिखा दी है। लाल किले पर सभी किसान संगठन इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। ये भारी तादाद है। दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली लाल किले की, जहां पर किसान पहुंच गए हैं और तिरंगे झंडों से ज्यादा आपको उनके अपने झंडे दिखाई पड़ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर दिल्ली में आईटीओ की है, जहां पर किसान संगठन करतब दिखा रहे थे, ट्रैक्टर से पुलिस को कचलने की कोशिश कर रहे थे, लाठियों से पुलिस की गाड़ियां और लाठी पुलिस वालों पर चला रहे थे। जी हां, एक तस्वीर लाल किले की, दूसरी आईटीओ की, जो बताती है कि किसानों का जो संगठन था, किसानों का जो प्रदर्शन था, आज कैसे उग्र हो गया है और कैसे गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने देश का सिर नीचे झुकाया। आप जब प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया वो हमें मंजूर नहीं है, ताजा अपडेट ये कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर रहे हैं ताकि इन सभी प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा जा सके, ताकि इस हंगामे को शांत किया जा सके। शुभ्रा हमारे साथ है क्या? शुभ्रा, अगर दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसान संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर रहे हैं, किसान नेताओं को अब कहा जाएगा कि इन सभी प्रदर्शनकारियों को वापस बुलाइए, ये कह रहे हैं ना नेता की मानेंगे, तो आप वापस जाएंगे क्या कहने पर? देखिए, किसान तो अभी वापस जाने के मूड में नहीं है रचना, ये समझना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची बड़ी संख्या में किसानों से बातचीत मैंने भी की और उनका यही कहना है कि आज वो किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग देखिए, जब मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो ट्रैक्टर्स गुजर रहे हैं बड़ी संख्या में और ये जो ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच में बैरिकेडिंग्स भी तोड़ी गई हैं जैसा कि हमने दिखाया, लेकिन इनकी संख्या देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के लिए तैयारियाँ इन्होंने काफी पहले से की थी। आज के लिए जो तैयारियां की थी वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है और ये किसान अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, लेकिन खास तौर से इस इलाके में जो आप किसानों को देख रहे हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से इस तरफ आए हैं और ये आप साफ तौर से ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस जब उन्हें रोक रही है तब वो उन्हें हटाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो अनुशासन टूटा है वो भी याद किया जाएगा। आपसे एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, आप आईटीओ पे मौजूद हैं, ट्रैक्टर्स वहां पर हैं, किसान वहां पे, समझने की कोशिश करूंगा कि अब जो डायवर्जन हो रहा है, क्योंकि आप जहां पर बोल रही हैं दूसरी स्क्रीन में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाल किले पर कितने लोग पहुंच गए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अब जो ट्रैक्टर्स वहां से निकाले जा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस निकाल रही है, क्या ये राइट दरियागंज होकर या आईटीओ से ही राइट राजघाट होकर सीधे लाल किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर इनको वापस अपने अपने बॉर्डर्स पर भेजा जा रहा है? जो ट्रैक्टर्स निकल रहे हैं क्या ये लाल किले और इंडिया गेट की तरफ तो नहीं जा रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल रजत, देखिए मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देती हूँ ये तस्वीरें और इससे आपको रूट का अंदाजा लग जाएगा। देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रैक्टर्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, लेकिन अब आपको वो कम नजर आ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करके आगे का जो आप इलाका देख रहे हैं, जो आगे चल के लाल किले में मिल जाता है, उस तरफ सारे ट्रैक्टर्स जो है आगे गए हैं, मूव हुए हैं और धीरे धीरे मूव हो भी रहे हैं। शुभ्रा रहिएगा, ताजा तस्वीर, लाल किले के ऊपर चढ़ गए हैं ये प्रदर्शनकारी, लाल किले के ऊपर चढ़ गए हैं और ये देखिए हाथ में एक झंडा है, केसरिया झंडा, और इसी के साथ ये प्रदर्शनकारी वहां पर चढ़ गए हैं। लाल किले पर धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है और शायद ये केसरिया झंडा वहां लहराने की कोशिश भी है। और जैसे कि रजत और मैं लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग झंडे सभी प्रदर्शनकारियों के हाथ में हैं, तिरंगे बहुत कम नजर आ रहे हैं। जैसे कि कहा था किसानों ने, तिरंगे झंडे के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, ट्रैक्टर ही नहीं पैदल भी पहुंच गए और पैदल पहुंचते पहुंचते अब लाल किले पर पहुंचे हैं। वहीं पर निहंग सरदार भी मौजूद हैं और उनके जरिए ट्रैक्टर्स का करतब भी दिखाया जा रहा है और अब ये देखिए केसरिया झंडा। इस झंडे के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, ये सिख धर्म का झंडा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देख सकते हैं सिख धर्म का निशान बना हुआ है, केसरिया झंडा है, लेकिन लाल किले के ऊपर, लाल किले के प्रांगण पर यह झंडा फहराना कहां तक उचित है यह सोचना पड़ेगा उन संगठनों को जो वहां पहुंचे हैं।
आज देश और विश्व इन तस्वीरों को देख रहा है। लाल किले तक जाना, उसके बाद ऊपर चढ़ना और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई करना, मुझे लगता है शायद सरकार को सोचना होगा कि अब कितने कड़े और सख्त आदेश उन लोगों के खिलाफ निकाले जाएं जो वहां किसान संगठन के नाम पर लाल किले पर एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को उग्र या फिर हिंसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रदर्शनकारी किसान गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये गुंडागर्दी लगातार हो रही है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं पत्थरबाजी में, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई है। सवाल ये कि आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा? इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये केसरिया झंडा हाथ में लेकर फहराने की कोशिश लाल किले की प्राचीर से की जा रही है। लाल किले पर जो कि तय रूप में नहीं था, ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हैं और अब लाल किले में ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेफ्ट साइड भीड़ आपको नजर आ रही है लाल किले के प्रांगण में और वहीं पर ये भीड़ मौजूद है। कुछ प्रदर्शनकारी नीचे हैं और एक प्रदर्शनकारी जो केसरिया झंडे के साथ लगातार ऊपर और ऊपर लहराने की कोशिश, बिल्कुल लेकिन उल्टे हाथ की जो तस्वीर है तिरंगा फैल रहा है और फहरता रहेगा, ये झंडे लेकर ऊपर चढ़े हैं प्रदर्शनकारी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अब सख्त निर्देश देना चाहिए, क्योंकि लाल किले के प्राचीर पर जिस तरीके से भीड़ और प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिस तरीके से अपने झंडे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शायद राष्ट्र के विरुद्ध है। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, आहत है दिल। तो क्या हम ये कहें, क्या हम ये समझें इन तस्वीरों को देखने के बाद कि सुरक्षा एजेंसियां जो लगातार अलर्ट कर रही थी कि हिंसा हो सकती है, हंगामा हो सकता है, असामाजिक तत्व इस आंदोलन का हिस्सा बनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे राष्ट्र की गलत तस्वीरें दुनिया के सामने पहुंचे, क्या ये सुरक्षा एजेंसियों का जो अलर्ट था वो सच साबित हुआ? रचना, आप कह रही हैं असामाजिक तत्व यानी एंटी सोशल तत्व होते हैं, लेकिन जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं ये एंटी सोशल के बजाय अगर एंटी नेशनल कहा जाए तो कहां तक सही होगी? बिल्कुल, और लग रहा है क्योंकि देखिए एक जो प्रदर्शनकारी था रजत, पहले उसने ऊपर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश की, शायद वो असमर्थ रहा, नीचे आ गया। अब दूसरा जवाब, ये दूसरा प्रदर्शनकारी है जो लगातार ऊपर चढ़कर ये लाल किले से केसरिया झंडा फहराने की कोशिश हो रही है और लगातार लाल किले के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई है, प्रदर्शनकारी ज्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। और जब ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश आईटीओ पर हुई है, उसके बाद खबर ये भी कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी किसान संयुक्त मोर्चा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि हंगामा कैसे हुआ, उनसे पूछा जा रहा है ये प्रदर्शनकारी कौन है, उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर ये गुंडागर्दी देश की राजधानी में अलग अलग जगह हो रही है। लगातार तस्वीरें आप देखिए, ये केसरिया झंडा नहीं, इस प्रदर्शनकारी के हाथ में दूसरा झंडा है पीला। जी हाँ, कोशिश बहुत हो रही है रचना की वो दूसरा झंडा लगाया जाए, लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि हाँ, लेकिन अब एक तिरंगा झंडा आया है रचना। अब अगर आप देखिए तो अब एक तिरंगा झंडा है, क्योंकि नीचे जो शख्स खड़ा है उसके हाथ में तिरंगा झंडा है। मुझे लगता है आप देखिए भीड़ में तिरंगा झंडा है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि लाल किला की टॉप प्रायोरिटी में आता है, चाहे वो डिफेंस की हो चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, वहां तक इतने प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। मान लिया लाल किले के प्रांगण के अंदर, वहां के प्राचीर पर वहां इतने लोग पहुंच जाते हैं, एजेंसियां क्या कर रही, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है आज? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये तस्वीरें आईटीओ की हमने देखी, मान ली ये तस्वीरें, लेकिन लाल किले के प्राचीर पर इतने लोग पहुंच जा रहे हैं, झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? बिल्कुल रजत, सवाल बहुत से हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए, सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे हैं, चाहे वो बैरिकेड्स तोड़ने की बात हो, चाहे वो जो बसेस, वो जो ट्रक और बस रास्ते में खड़े कर दिए गए थे ताकि ट्रैक्टर आगे ना पहुंचे, उन्हें बल के साथ बस को और ट्रक को पलट दिया गया, फिर किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। हमने देखा था ट्रैक्टर के आगे लोहे के मजबूत पैनल्स वेल्डिंग के जरिए लगवा लिए गए थे ताकि आज के दिन की तैयारी हो सके। और हम जो 62 दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं, हर एक अच्छी और बुरी तस्वीर दिखा रहे हैं, आज लगता है ये आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी देश कलंक कहा जाए। रचना, अगर इसको कलंक कहा जाए कि आंदोलन के नाम पर ये देश में अब तक का सबसे बड़ा कलंक है, कहीं भी गलत नहीं होगा। अब तक लोग कह रहे थे, सरकार कह रही थी कि वहां पर एंटी नेशनल
आप कह सकते हैं एलिमेंट्स आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं जिन्होंने किसानों का रास्ता भटका दिया है, वो लोग आ गए हैं जिन्होंने पूरे प्रदर्शन को अपवित्र कर दिया है। हमको लगता था कि सरकार किसानों की बात समझ नहीं पा रही है, लेकिन आज की तस्वीर और गणतंत्र दिवस के मौके की तस्वीर जो आज हम देख रहे हैं, ये साफ करती है कि सरकार का अपना इनपुट बिल्कुल सही था। इसीलिए सरकार ने उस दिन बात करने के बाद मना कर दिया था कि अब कोई तारीख नहीं देंगे बातचीत करने की, क्योंकि सरकार ये जानती थी कि ये आंदोलन भटक चुका है और देश विरोधी तत्व इस आंदोलन में आ चुके हैं, और आज तस्वीर बयां कर रही है कि ये आंदोलन अब पूरी तरीके से अपवित्र हो चुका है। ये तस्वीरें देखने के बाद, ये हिंसा देखने के बाद जरूर सवाल होना चाहिए उन तमाम किसान नेताओं से जो जिद पर अड़े रहे, ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से हम तय रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये तस्वीरें देखकर सवाल होना चाहिए राकेश जी कैसे, जो कह रहे थे हंगामा कुछ नहीं होगा मैं गारंटी देता हूँ, ये सवाल होना चाहिए योगेंद्र यादव से जो कह रहे थे अब किसानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अब हमारे हाथों है, हमें सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हजारों के साथ साथ फिर लाख तक ये संख्या पहुंच गई, जब किसान आंदोलन में लगातार लोगों का जुटना शुरू हुआ, ट्रैक्टर्स का आना शुरू हुआ। आज के दिन की खास तैयारी थी, मनाने के बावजूद भी नहीं माने, 5 से 6 दौर की बैठक हुई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ, लेकिन उसके बाद तय रूट दे दिया गया किसानों को कि जाइए कर लीजिए ट्रैक्टर परेड, और किसान काफी खुश भी थे। लेकिन आज की तस्वीरें देखकर हैरानी हो रही है, आज की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि नहीं, आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी इन लोगों के जरिए की जा रही है। लाल किले पर पहुंचे हुए हैं ये सभी प्रदर्शनकारी और लगातार वहाँ संख्या बढ़ती हुई जा रही है। किसान कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अब, और ये देखिए पीले रंग का झंडा, सिख समुदाय का ये झंडा जिसे फहराने की यहाँ से कोशिश हो रही है, और लगातार ये शख्स कोशिश कर रहा है इस रोड पर कि लगातार इस झंडे को फहराया जाए। लाल किले के प्राचीर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किले के प्रांगण में लगातार लोगों की संख्या बढ़ गई है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, लाल किला परिसर में इस तरह की तस्वीर आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, इस तरह का आंदोलन आपने नहीं देखा होगा। आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए ये लोग हैं, हिंसा फैलाने वाले ये लोग हैं, देश की राजधानी का माहौल खराब करने की ये कोशिश है। हम नहीं कहेंगे कि आंदोलन कहीं से कहीं तक भी ठीक है, 62 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, सरकार को मनाने की कोशिश थी, लेकिन लगातार वो कोशिश आगे बढ़ रही थी, हम आंदोलन को कवर कर रहे थे। लेकिन आज की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं उन तमाम लोगों पर जो हजारों की संख्या में अपना अपना परिवार छोड़कर बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे। सवाल दिल्ली पुलिस से भी है, सुरक्षा व्यवस्था आखिर इतनी ज्यादा मुस्तैद क्यों नहीं हुई, ऐसी बातों की आशंकाएं लगातार सुरक्षा एजेंसियों के जरिए मिल रही थी। फिर आज की तस्वीर सुरक्षा इंतजामों को फेल्योर साबित करती है। सीधे शुभ्रा के पास चलते हैं, शुभ्रा तस्वीरें जो लाल किला बयां कर रही हैं कि आज गणतंत्र दिवस के ऊपर हर देशवासी का जो सीना था, जो दिल था, वो कहीं ना कहीं दुखी है और सर झुक गया है इन प्रदर्शनकारियों के आगे। जी देखिए वाकई सरकार को अब यहाँ से और बेहतर तरीके से सोचना होगा। देखिए चिंताएं जो है सरकार की बढ़ गई होंगी, क्योंकि जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ आईटीओ से, लगातार हम आईटीओ पर मौजूद हैं, और जो और तस्वीरें लाल किले से सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि सरकार की मुश्किलें यहाँ से और बढ़ने वाली हैं। लेकिन ये देखिए हम आपको सड़क के उस तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं और कैसे ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ रही है, इसका जो इंतजाम है, इसकी जो तैयारी है वो बहुत लंबे समय से की जा रही थी, और इन ट्रैक्टर्स पर आप देखिए किसान संगठनों के झंडे हैं और इसके साथ ही तिरंगे झंडे हैं। खासतौर से कहा गया था कि तिरंगे झंडे लगाए जाएं ट्रैक्टर्स पर, और यहाँ पर दिख भी रहे हैं वो झंडे जिसकी आप बात रजत कुछ देर पहले कर रहे थे। हालांकि लाल किले की प्राचीर की जो तस्वीरें हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन ये आप देखिए बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और ट्रैक्टर्स लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और दिल्ली घेराव के पोस्टर्स वो लिए हुए हैं हाथ में, दिल्ली घेराव के पोस्टर्स लेकर के, और कई पोस्टर्स ऐसे हैं जिस पर पंजाबी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान है रजत, बहुत बड़ी संख्या में किसान है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस को ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हमने देखी हैं और जिस तरीके से अनुशासन टूटा है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो इजाज़त दी थी वो 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए हैं। लेकिन यहाँ से ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो कहा जा रहा था कि
एक थोड़े से तबके में, किसानों का थोड़ा सा तबका है जिसमें ये आंदोलन है और जिसमें कृषि कानूनों को लेकर विरोध है, लेकिन यहाँ से सरकार को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा। सुरक्षा एजेंसियां जो पहले से कई तरह के अलर्ट्स दे रही थी, दिल्ली पुलिस जो कि जिन्होंने अपनी तैयारी की थी, अब उनकी तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही किसान को भी, लेकिन इससे साथ ही किसान नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अब इस आंदोलन को अनुशासन के साथ चलने वाला आंदोलन कहेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ तौर से कह दिया था कि जो रूट तय होगा उसी रूट पर तमाम किसान जो है आगे बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिख धर्म का झंडा, इसके साथ ही तिरंगा झंडा और साथ ही किसान संगठनों का झंडा, और हर तबके के जो युवा किसान हैं वो भी आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पंजाब से अलग अलग जिलों से आए हुए किसान हैं, महिलाएं भी हमने देखी हैं। और ये कहा गया था कि ट्रैक्टर्स ही रहेंगे और यहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही कार जो है वो भी हैं, तमाम अलग अलग तरह की गाड़ियों में ये किसान आए हैं और लंबी तैयारी से आए हैं। लेकिन इसके साथ ही जब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इनका कहना है कि जहाँ कहीं भी हमें रोकने की कोशिश की जाएगी वहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, बल्कि रेसिस्ट करेंगे, बल्कि हम विरोध करेंगे। और इसीलिए ये आगे आज का पूरा जो बचा हुआ दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने तैयारियां तो की हैं, लेकिन वो तैयारियां टिक कहाँ तक पाएंगी ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो किसानों से भी हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हम हरगिज नहीं रुकेंगे, पहले भी नहीं रुके थे। आईटीओ से जो लाल किले की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर धीरे धीरे करके किसान आगे बढ़ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि इधर की तस्वीरें भी दिखा दें, जहां पर आईटीओ से आगे किसान धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। यहां पर जो ट्रैक्टर्स हैं वो खाली हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और अगर ये पूरी भीड़ जो है, जो पूरी रैली है वो आईटीओ लाल किले की तरफ बढ़ रही है और वहाँ पर जमावड़ा और बढ़ता है, तो जो तस्वीरें आप अभी दिखा रहे हैं रचना और रजत, वो और ज़्यादा चिंताजनक हो सकती हैं। हाँ। क्योंकि इनका कहना है, दो जगहें इन्होंने बताई हैं, एक तो लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं और जो पूरा ये इलाका है आप देख रहे हैं, जो ये रास्ता है लाल किले की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पर जमावड़ा और बढ़ता है तो मुश्किल बढ़ेगी। और इंडिया गेट अगर आप इधर लेफ्ट की तरफ देखें, इस तरफ इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है, और जो मैं आपको ट्रैक्टर रैली के सीन्स दिखा रही थी, जो ट्रैक्टर्स गुजर रहे थे इस रोड से, वो अगर इंडिया गेट की तरफ बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो कुछ एक इलाके हैं, हालांकि संसद मार्च की घोषणा जो है वो 1 फरवरी के लिए रखी है किसानों ने, लेकिन आज लाल किले की तरफ ये किसान बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब मैं आपको एक और खास चीज बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो आम लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि बाहर निकलने का रास्ता किधर है, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, दिल्ली से बाहर निकलने का रास्ता बंद है क्या, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आम लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं और इसकी वजह यही है कि जो रूट है उसका पालन नहीं किया गया। आप एक बार ये तस्वीरें देखते चलिए, क्योंकि जो किसान रैली है उसे देखने के लिए आम लोग भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहां पर आप जमावड़ा देख रहे हैं वो उन किसानों का ही है जो कि इस ट्रैक्टर रैली का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते थे कि एक तरफ रिपब्लिक डे का परेड हो और दूसरी तरफ ये परेड निकले, और इसीलिए हमें ये बात पसंद नहीं आई कि हमें ये कह दिया गया कि पहले परेड खत्म हो जाए उसके बाद ट्रैक्टर सड़कों पर है। ऐसे में हम और आप, हम जैसे आम लोग जो लगातार रूट बंद होने की वजह से, रूट डाइवर्ट होने की वजह से परेशानी झेल रहे थे, लेकिन लगातार हम कह रहे थे कि किसान अन्नदाता बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें शर्मनाक हैं, आज ये तस्वीरें शर्मिंदगी पैदा करती हैं इन आंदोलनकारियों को लेकर। साथ ही साथ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हम किसी समस्या का हल, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान देश का ही होगा। दोनों तरफ वो बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो चाहे वो जवान हो, चोट किसी को भी लगे नुकसान देश का है। ऐसे में सरकार से एक बार फिर कह दिया, आंदोलन शांत कीजिए, तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, इस समस्या का समाधान यही है। लेकिन लगातार सवाल खड़े करती हुई ये तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली की ये वो तस्वीरें हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। लाल किले की प्राचीर पर लगातार ये प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और संख्या देखते ही देखते बढ़ रही है। लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर वहाँ अब भगवा झंडा, केसरिया झंडा, पीला झंडा फहराने की कोशिश बहुत देर से रजत हो रही है। बिल्कुल, तीन तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। सुबह से मेगा कवरेज थी, सुबह से हमने परेड देखी, परेड के बाद गौरवान्वित हुए, लेकिन अब जो तीन तस्वीरें हैं, बोलते हुए भी रचना चाहे शर्म आती है। क्या किया किसानों ने, या कहा जाए क्या किया इन प्रदर्शनकारियों ने आज, किस तरीके का आप कह सकते हैं इन्होंने आज मंजर दिखाया है देश को। जी हाँ, पहली तस्वीर लाल किले की देखिए,
एक दूसरा झंडा जो कि राष्ट्र का देश का तिरंगा नहीं है वो फहराया गया है। लोग प्रदर्शनकारी उग्र प्रदर्शनकारी लाल किले की प्राचीर के अंदर घुस गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, जहां पर लगातार लोग पहुंच गए हैं और बस को पलटने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आईटीओ की हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये आईटीओ की तस्वीर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर किसान लगे हुए हैं, जो बस रखी गई है कैसे उसको पलट दिया जाए और रास्ता खोल दिया जाए। ये तस्वीर आईटीओ की है, दिल्ली में किसानों का कोहराम है। आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय कैसे प्रदर्शनकारी जो हैं लगातार पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आईटीओ की हैं। जी हाँ, दिल्ली आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो रही है। ये देखिए, अब दिल्ली में किसानों का कोहराम, आज की सबसे बड़ी खबर, और कहा जाए कि ये खबर शायद पढ़ते हुए भी रचना लगता है कि आज गणतंत्र दिवस के ऊपर ही होता, शायद कोई और दिन होता तो हमको उतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती। आज पूरा विश्व जानता है कि देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, और ऐसे मौके पर ये तस्वीरें जब ट्रैक्टर वहां खड़े जवान, वहां खड़े पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी गई, लाठी मारने की कोशिश करी गई, आईटीओ में बस तोड़ी गई, ये सब कुछ किया प्रदर्शनकारियों ने, आज से शायद किसान कहना गलत होगा।